स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, डेविड ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 300 पर मंथ फॉर 2 इयर्स। इफ ही रिसीव्ड रुपीज 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्वेश्चन आपको समझिएगा फिर से। डेविड है, डेविड वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इसी बैंक में खोलता है और उसमें 300 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करता है 2 इयर्स, और वो मैच्योर्ड वैल्यू के तौर पे, मैच्योर्ड वैल्यू के रूप में 7725 रुपीज प्राप्त करता है, गेट करता है। तो उसमें आपको क्या कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर याद करनी है। तो देखिए क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू ट्वेल्व इंटू आर बाई हंड्रेड। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, वेयर आई इज द इंटरेस्ट, पी इज द वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी 300 रुपीज, एन इज द नंबर ऑफ मंथ्स एंड आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आई की वैल्यू कंफर्म नहीं है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई आपकी 300 इंटू एन आपको गिवन है 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे 24, देन 24 इंटू 25। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 इयर्स और उसको नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना है, तो 2 साल में आपके 24 महीने होते हैं। तो आगे देखिए इसको, आगे 2 × 12 × 100 और यहाँ पर आर, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं, देखिए यहाँ दोनों फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, और आप इससे फिनिश कर दीजिए यहाँ से, देन आपको हो जाएगा I इज इक्वल टू 75 R, और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, यानी I है वो 75 × R, इनके ये आपका एक क्वेश्चन बन गई, इसको क्वेश्चन फर्स्ट डाल देंगे। अब देखिए इससे आगे देखते हैं हम मेच्योर्ड वैल्यू आपकी क्या होती है, मेच्योर्ड वैल्यू ये आपका होता है टोटल डिपॉजिट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। डिपॉजिट वैल्यू कितना होता है आपका, देखिए हाँ, तो डिपॉजिट वैल्यू कितनी है 300 रुपीज, कब तक 24 मंथ तक, यानी 300 रुपये 24 2 साल तक जमा करता है, ये हो गया प्लस, और ये आपका इंटरेस्ट कितना है 75 R, ठीक है, और ये मेच्योर्ड वैल्यू है कितनी हमारी, ये गिवन है 7725, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका तो आपका हो जाएगा 7200 प्लस 75 R, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 75 R इज इक्वल टू आपका 525, ठीक। देन आपकी फिनिश की दोनों को, तो आपका फिनिश होने पे आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 7%, और आपका यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 7%।